दोस्तों, एक चीज़ फ़ायदा जो है ना वो मैं पहले ही बता चुका था वीडियो के माध्यम से पहले ही, ठीक है। स्टोर खोलने से क्या है कि सैलरी का इंतजार जो है ना वो करना नहीं पड़ता है, 1 तारीख को ही सैलरी जो है वो आ जाता है। और दिखा देता हूँ चुप चुपा को। और दोस्तों, सेल ख़त्म होने के बाद जो है ना खेल स्टार्ट हो चुका है, मतलब आज भी गया था काम पर, ठीक है। खाना पीना बन के तैयार हो चुका है, वो सबके लिए निकाला जा रहा है। ये रहा मटन, सबके लिए अलग अलग। फाइनली सैलरी जो है ना वो आ चुकी है, ठीक है। इसलिए मतलब कि सामान जो है दुकान का कुछ काछ लेकर आ गया हूँ। तो भाई अभी ना यहाँ से ना बड़ा सा एक सांप जो है वो गया हुआ है अमेजोन जो है ना, अमेजोन के साथ जुड़ने के बाद दोस्तों सैलरी जो है हमेशा 1 तारीख को ही आने वाली है, मतलब आज। अरे वाह पप्पू, तुम भी प्रणाम कर रहे हो पप्पा। कम से कम आया है 65,000 रुपये। लेकर तेरा नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। फाइनली दोस्तों, अमेजोन का सेल जो है ना वो ख़त्म हो चुका है और पूरे महीने मैंने मेहनत किया है पैसों के लिए, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों, आज जो है ना सैलरी आने वाली है। तो आप लोग को वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ कि इस महीना मैंने कितना पार्सल डिलीवर किया और कितना मतलब कि इस महीना मैंने कमाया। तो सारा जानकारी जो है ना वीडियो के माध्यम से आप लोग को पूरा जानकारी मिलने वाला है, क्योंकि हर महीना जो है ना मैं एक वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ जो सैलरी से रिलेटेड रहता है, ताकि आप लोग भी मेरे जैसे बहुत सारे भाई लोग जो काम करते हैं या फिर काम करना चाहते हैं तो उन लोग को थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए कि भाई डिलीवरी बॉय भी अच्छा खासा मतलब मेहनत करके कमा सकते हैं। तो भाई अभी ना यहाँ से ना बड़ा सा एक सांप जो है वो गया हुआ है और मैं यहीं पे बैठ के जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा है, ठीक है। तुम उसको कहाँ लेकर आ गए? अभी यहाँ से एक सांप गया है, पता है, बड़ा सा सांप। काला था? काला तो नहीं था, लेकिन बड़ा था, हरा कलर का था। हरा? हाँ। और आज आने वाला है सैलरी। कैसे पप्पू बेटिया? पप्पू के लिए बहुत कुछ खरीदने वाला है सैलरी में, ठीक है। वीडियो बनाएंगे किसका? अरे देख के मेरा हालत ख़राब हो गया, मैं वीडियो बनाऊंगा सांप का। तो भाई ये छोटा सा हम लोग का है जो पोखरी बोलते हैं, ठीक है, बहुत कोई बंगाली में पोखरी बोलते हैं और ऐसे हम लोग तो ऐसे लोकल भाषा में छत्तीसगढ़ी में वो बोलते हैं, क्या बोल बोली बोलते हैं, तालाब बोलते हैं छोटा सा। तो भाई यहाँ पर मछली भी है छोटा मोटा, लेकिन यहाँ पर भाई सांपों की जो है ना कहर बहुत ज़्यादा। और जस्ट यहाँ से जाते हुए देखा, जिसको देख के मैं थोड़ा सा डर गया, लेकिन फिर भी सोचा कि चलो यार अभी तो सांप चला ही गया, तो थोड़ा सा बैठ के वीडियो का इंट्रो बना लेता हूँ। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज मैं बताने वाला हूँ कितना मैंने इस महीना जो है ना पार्सल डिलीवर किया और कितना मैंने इस महीना कमाया। सारा जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। ये रही हमारी पप्पू बिटिया, जो नहा धोवा के तैयार होकर आ गई है तालाब के पास देखने के लिए, घूमने के लिए, कि मेरे को खोजने के लिए। तो भाई दीपावली के दिन जो है ना रात को अचानक से हम लोग को जाना पड़ गया था हॉस्पिटल और हमारे पीछे पीछे चला गया था पोको। और दीपावली के इतने दिन बाद आया है, कैसे दीपावली कहाँ मनाया तू? हाँ कहाँ मनाया दीपावली? 4-5 दिन गायब हो गया ना, दो दिन गायब हो गया, अभी आया। खाना वाना दो तो इसको, भूख लगा होगा। और दिखा देता हूँ चुप चुपा को। और दोस्तों, सेल ख़त्म होने के बाद जो है ना खेल स्टार्ट हो चुका है, मतलब आज भी गया था काम पर, ठीक है। लेकिन पार्सल इतना कम मिला कि क्या ही बताऊँ, मात्र 20 पार्सल मिला था। ऊपर से वीडियो बनाया नहीं था क्योंकि मेरा माइक जो है ना वो सही था, लेकिन मेरा मोबाइल का जो कनेक्टर जो है जिसमें रिसीवर लगता है वो जो है ख़राब हो चुका था, तो उसको चेंज करवाया। उसके बाद ही मतलब कि अभी काम कर रहा है, ठीक है। 350 रुपये लगा है भाई। चुपचुपा कहाँ गया है? कहाँ गया चुपचुपा? अरे वहाँ पे है भाई, ये रहा हमारी चुपचुपा, चुपचुपा। तो भाई ये रहा हमारी चुपचुपा, गजब लगता है ना। अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ, चुप चुपा, रुक रुक मैं कर रहा हूँ। इधर आओ तो पप्पू भी आ गई है पूजा करने के लिए। पप्पू सीखो ना, तुम सीखो पूजा करना, ठीक है। बड़ी हो गए तो तुमको ही पूजा करना पड़ेगा पप्पू। तो भाई सुबह सुबह मेरे घर में हो रहा है पूजा, हालांकि मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ। पप्पू आके नहा ली है, मम्मी भी नहा ली है, पूजा कर रही है अभी। अरे वाह पप्पू, तुम भी प्रणाम कर रहे हो पप्पा। दोस्तों, एक चीज़ फ़ायदा जो है ना वो मैं पहले ही बता चुका था वीडियो के माध्यम से पहले ही, ठीक है। स्टोर खोलने से क्या है कि सैलरी का इंतजार जो है ना वो करना नहीं पड़ता है, 1 तारीख को ही सैलरी जो है वो आ जाता है, मतलब कि आज है 1 तारीख, हालांकि वीडियो जो है ना 2 या 3 तारीख को आने वाली है, तो 1 तारीख मतलब शाम तक तो पैसा आ ही जाएगा, ठीक है। मज़ा ही आ जाएगा मतलब कि, तो इसी सैलरी के लिए भाई पूरा अगस्त महीने का तो सैलरी अभी तक आया नहीं है, वो तो मैं हर वीडियो में बताते ही रहता हूँ, ठीक है। और इसी सैलरी का इंतजार मेरे को 10 तारीख तक का करना पड़ता, ठीक है। उसके बाद भी फिक्स नहीं रहता, अगर संडे आ जाता तो 10 या 11-12 कर देता है। लेकिन अमेजोन जो है ना,
अमेजोन के साथ जुड़ने के बाद दोस्तों सैलरी जो है हमेशा 1 तारीख को ही आने वाली है, मतलब आज शाम तक सैलरी जो है वो आ जाने वाली है, ठीक है। और अपना काम धाम खत्म करके आ गया था घर, लेकिन बैग को ना अब तक उतारा नहीं हूँ, क्योंकि आज जो है इतना कम पार्सल मिला था, बैग का जरूरत नहीं पड़ा था। घर से जैसे लेकर गया था बांध के, वैसे ही लेकर वापस से आ गया, क्योंकि झोली में ही पूरा पार्सल लेकर आ गया था बांटने के लिए। चलो चुपचुपा। और भाई पापा जो है ना दुकान में बैठ बैठ के ना सो जाते हैं। मैं आज आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। कोई अगर दुकान में आके कुछ लेके भी चला जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। तुम घुमाए पर फाइनली सैलरी जो है ना वो आ चुकी है, ठीक है। इसलिए मतलब कि सामान जो है दुकान का कुछ काच लेकर आ गया हूँ। और आज दोस्तों स्पेशल मतलब कि सैलरी आने की खुशी में मेरे घर में बनने वाला है मटन करी, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत से मतलब कि हम लोग जो है ना मटन जो है वो खाया नहीं था, तो मैं सोच के रखा था कि जब भी सैलरी आएगा तो मटन लेकर आऊँगा, ठीक है। फिलहाल लेकर आया हूँ मटन, और साथ में सामान भी लेकर आया दुकान का, क्योंकि भाई दुकान का सामान भी ज़रूरी था। अभी जाऊंगा फिर से, पापा वहीं पे हैं, और भी सामान लाना है। और सैलरी कितना आया है वो भी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। इस महीना जो है ना 30 दिन का दिन था, उसमें से मतलब कि जब से मेरा स्टोर खुला है उससे पहले मतलब 4 दिन ऐसे ही ऑलरेडी काम कर लिया था मैं अपने पार्सल बेस वाला आईडी में, ठीक है। उसके बाद जो बाकी दिन था उसमें से 1 दिन जो है छुट्टी मारा था, मतलब टोटल जो है ना 27 या 28 दिन का पैसा जो है वो मेरा कितना आया है वो बताने वाला हूँ। और टोटल पार्सल जो है कितना डिलीवर किया टोटल दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, ठीक है। 1606 पार्सल मतलब कि इस महीना मैंने डिलीवर किया स्टोर वाले आईडी में। वो है हल्दी भी है, बकरा। अरे बकरा लेकर आया हूँ, विश्वास नहीं हो रहा है। हे प्रभु यकीन नहीं कर रही। यस गरीब आदमी है, कितना लाएंगे? 600 रुपये किलो है। लो जल्दी से बना के रखो, आ रहा हूँ फिर सैलरी आने की खुशी में। मटका चलो देखता हूँ मिलेगा तो ले आऊँगा, लेकिन अभी तो लाने में समय लग जाएगा। तो भाई इस महीना जो है ना टोटल पार्सल 1606 पार्सल डिलीवर किया, जिससे मेरा इनकम जो है ना 20,874 रुपये हुआ, ठीक है। इतना तो इनकम मतलब कि जो स्टोर में बांटा उसका हुआ, और स्टोर खुलने से पहले 4 दिन काम किया था वो हो जाता है लगभग 2,000 रुपये। तो मतलब कि मेरा इनकम जो है ना 22,874 रुपये टोटल जो है इस सेल में कमाया, ठीक है। और दोस्तों अभी बनने वाला है बकरा मतलब कि मटन। तो दोस्तों इसी तरह से अगर पार्सल ज़्यादा ज़्यादा रहे ना तो इतना इनकम किया जा सकता है। जैसे मेरा पार्टनर जो है मतलब कि साथ में जो जॉब करते हैं वो फुल टाइम करता था, सुबह से 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, मतलब कि उसका कम से कम इनकम पता है कितना, कम से कम आया है 65,000 रुपये, ठीक है। ऊपर से 2-3 लोग मिल के बांटते थे, इसी कारण से मतलब सुबह से बांटना स्टार्ट करते थे कि भाई रात के 10 बजे तक बांटते थे। कम से कम पर डे पार्सल जो है 200 से 200+ पार्सल, 200, 250, 278 इस टाइप से पार्सल जो है डेली बांटा करता था 3-4 लोग मिल के, ठीक है। उसका तो भाई अच्छा खासा इनकम हुआ, मेरा तो भाई इतना ही है 22,000 टोटल 22,800। तो भाई ये रहा मटन बन रहा है, ठीक है। ओ भाई आज बस कलेजी चर्बी यही सब पीस है, ये चर्बी जो है ना खा रहा है मज़ा आ रहा है। मुझे 5-6 मिनट तो भाई अभी तक पक ही चुका होगा, एक ही झोल दे सर। अच्छा ये भाजा भाई, ये रहा चर्बी। खाना पीना बन के तैयार हो चुका है, ये सबके लिए निकाला जा रहा है। ये रहा मटन सबके लिए अलग अलग प्लेट में। देखा पापा किसका है? अरे वाह जल्दी निकाल के ले आओ, भूख लगा है जम के। पुप्पू खा गए, पुप्पू बकरा खा गए, पुप्पू पुप्पू बकरा खा गए, पुप्पू अभी नहीं खाओगे तुम, बड़े हो जाओ उसके बाद, ठीक है।
একটু জল দাও হাতে। बकरे का पूरा गल चुका है मस्त। ली वाला पीस वाली कलेजी के साथ खा रहा हूँ। अरे गजब। क्या फायदा।